नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्त, ये जो है TVS स्कूटर है, ये TVS का आई टच है और XL 100 है जो कि मेरे पास आई हुई है। तो इसका जो इंजन है, इसका काम हुआ था तो इसमें जो नया सिलेंडर डाला गया है और इसमें सारा कुछ जो है काम किया गया है। तो ये बाइक जो है, जब से इस बाइक में काम हुआ है कहना चाहिए, उसी टाइम से जो है इसका ACG जो हमारा अल्टरनेटर कहना चाहिए, जो हमारा आई टच स्टार्टिंग है, ये काम नहीं कर रहा था। तो इसका ACG जो है प्रॉपर तरीके से जो है स्टार्ट नहीं हो रहा था, जिसके चलते हुए इसमें नया बैटरी भी इसमें डाला गया है और सारा कुछ इसमें जो चेकअप किया गया है, पर जो है ये बाइक जो है ठीक नहीं हो पाई। तो इससे जो है हमने आज इसे जो अच्छे से हमने डायग्नोस किया पूरा ऐसे जो है देसी तरीक़े से, तो ऐसे हम जो हम चेक कर रहे हैं। तो आपके पास में जो है इस टाइप की प्रॉब्लम लेकर आती है स्कूटर जो है, तो आपको कैसे ऐसे जो है एकदम देसी तरीक़े से जो है आपको चेकआउट करना है। हम सारा कुछ मल्टीमीटर से भी चेक किया, लैंप से भी चेक किया, LED लैंप से भी चेक किया, ये ऐसे जो है सारा कुछ यहाँ पर काट कर जो है चेक किया गया है। बहुत इसमें जो परेशान हुए हैं। और दूसरा चीज़, इसका मैग्नेट यहाँ पर जो है हल्का यहाँ पे ऐसे मार भी दिए हैं और यहाँ पे भी ऐसे डैमेज किया गया है। और दूसरा चीज़, इसका जो पिकअप कॉइल है, इसकी जो वायरिंग है, ऐसे भी यहाँ पे डैमेज किया गया है। और सारा कुछ इसमें काम किया गया है, तो हमें जो है यहाँ पे एक वायर इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। बिल्कुल देसी तरीका बताऊँगा इसमें, इस वीडियो में जो है हम पूरा देसी तरीके से सीखेंगे। तो हमने यहाँ रेड वायर, इसमें जो है हमने एक वायर फिट किया और दूसरा यहाँ पे जो है ब्लैक में एक, ये हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। और ऐसे जो है आपको डायरेक्ट बैटरी में जो है ऐसे चेक करना है, ऐसे लगा कर नहीं रखना है। और आपको ये देखना है कि ये मोमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसमें जो है ये जो चल रहा है, तो इस तरीके से चेक करने पर जो है हमें पता चलता है कि इसका जो ACG स्टार्टर, ये जो है अल्टरनेटर करंट जनरेटर, इसका जो कॉइल है ये हमारा सही है जो कि काम कर रहा है। अब हम ऐसे जो है इसमें सारा कुछ हम इसमें फिटिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं इस बाइक को स्टार्ट करके। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है इस कॉइल को जो है पेट्रोल से वॉश किया है और दूसरी चीज़ ऐसे जो इसी तरीके से हमने ऐसे फिटिंग कर दिया है। और ये इसका पिकअप कॉइल है, ऐसे भी हमने फिटिंग किया है। और इसका अब हम लगाएंगे मैग्नेट, तो ये मैग्नेट भी हम अंदर साइड जो है क्लीन ऐसे कर लेना है आपको। और इस तरीके से जो है मैग्नेट इस तरीके से फिटिंग करना है। दूसरा चीज़, जिसमें जो है इसका जो बोल्ट है, ये 17 mm का बोल्ट है, ऐसे जो है आपको टाइट कर लेना है। तो मैं ऐसे जो है टाइट कर लूँ, तो ये टाइट हो गया। और दूसरी चीज़, इसका पिकअप कॉइल, इसे भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है अब हम इसका ये कपलर जो है फिटिंग करेंगे इस तरीके से। और इसका जो है इग्निशन हमें ऑन करना होगा, तो इसमें जो है इसका की नहीं है, उसके लिए जो है यहाँ पे ये बटन लगाया गया है जो कि ये इधर ऑन है। तो यहाँ पे ऑन में जो है लाइट जलता है ये, तो ऐसे मैं ऑन किया। और दूसरा चीज़, इसका जो ब्रेक है ये भी इसका डायरेक्ट कर दिया गया है, तो हम इसका लगाएंगे सेल्फ। तो इसका सेल्फ चल रहा है, देख पा रहे हैं ये चल रहा है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सारा कुछ लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है सारा कुछ। तो फाइनल दोस्त, इसमें पता ये चल रहा है कि यहाँ पे हमारा एरो दिया गया है, यहाँ पे जो एरो है, तो ये यहाँ पे एक एरो दिया गया है जो कि इस मैग्नेट को जो है, इसका इंजन जो है इस तरीके से चलना चाहिए, जो कि ये उल्टा चल रहा है। ये कहना चाहिए ऐसे जो है चलना चाहिए इस तरीके से। मैं मार्कर पेन से जो आपको समझा दूँ, ऐसे जो है मैं मार्कर लूँगा, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा। बहुत मस्त इसमें जो है दिक्कत आई है, ये जो है चलना चाहिए इस तरीके से, इसका मैग्नेट जो है इस तरीके से रोटेशन होना चाहिए इस तरीके से। तो ये हो क्या रहा है, इसमें जो है ये इस तरीके से चल रहा है, ये जब हम इसका सेल्फ दबा रहे हैं तो ये जो मैग्नेट इस तरीके से चल रहा है। और इसका इंजन जो है, इसका कहना चाहिए इंजन जो है
ये मैग्नेट जो इस साइड है, मतलब इंजन का जो मैग्नेट इस साइड है, तो ये इंजन को जब हम घुमाएंगे तो ये हमारा सही दिशा कहलाएगा और ये हमारा उल्टा दिशा कहलाएगा। जिस इसमें जो है ये जब हम सेल्फ लगा रहे हैं, कहने की बात ये है कि हम सेल्फ लगा रहे हैं तो इसका जो मैग्नेट है ये उल्टा घूम रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो कि बैटरी जो है हमारा प्लस और माइनस में फिटिंग है, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ये बैटरी में प्लस दिया है और ये माइनस यहाँ पे फिटिंग है, जो कि बैटरी जो है गलत तरीके से फिटिंग नहीं होगी। अब हम जो है मैं एक बार अच्छे से एक बार दिखा दूँ, मैं लगाऊँगा इसका सेल्फ का बटन जो है दबाऊँगा मैं, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसका जो मैग्नेट है वो उल्टे दिशा में जो है ये रोटेट हो रहा है, जो कि जब हम जो है किक लगा रहे हैं, मैं आपको किक लगाकर भी ऐसे दिखा दूं, तो ये जो है सही तरीके से देख पा रहे हैं, बस ये चल रहा है, ये जो है जब हम किक लगाते हैं, किक प्रेस करते हैं तो उस समय जो है ये सही चल रहा है। पर इसी को हम जब मैं जैसे कि एक बार मैं और आपको दिखा दूँ, मैं बटन इसका ऑन करूँगा, सेल्फ वाला बटन जो है मैं दबाऊँगा, तो इसका जो मैग्नेट है आप नोटिस करिएगा, ये जो गलत तरीके से चल रहा है, ये कहना चाहिए प्रॉब्लम जो बहुत कठिन है इस बाइक में, जो है बहुत ही कठिन प्रॉब्लम है, जो कि इसमें जब हम किक लगाते हैं तो ज़बरदस्त में जो है स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, मौसम तोड़ देती है और कहना चाहिए किक को जो है झटके भी देती है ये, कई कई बार जो है ये स्टार्ट भी नहीं होती है। तो इसमें जो हमने सारा कुछ जो है चेक किया और इस कंडीशन में जो है आपको सबसे पहले जो है इसका जो हेड है इसे ओपन करना होगा, जो कि इसमें 4 बोल्ट हैं और इसका जो हेड है इसी में इसमें जो प्रॉब्लम होगा, जो कि मैं इसे जो है ओपन कर लेता हूं, ये 4 बोल्ट जो हमें ओपन करना होगा और इसका जो ये कहना चाहिए जो कैप है ये हमारा टैपिट कवर जो है ये इसे ओपन करने के बाद जो हम देखते हैं इसमें, उसके बाद जो है इसका ACG स्टार्टर जो है काम करता है कि नहीं, इसमें सारा कुछ किया गया, पर ये जो है देखते हैं इसे चेक करके। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है इसका टैपिट कवर जो है ओपन कर लिया है और इसकी जो कंडीशन है कुछ इस तरीके की है, इसकी कंडीशन जो है इसमें लोकल ऑयल जो है डाला गया है और लोकल ऑयल डालने की वजह से जो है इसमें जो है फ्रेंड्स डीकंप्रेसर होता है, जो कि इस बाइक में जो है यहाँ पे फिटेड है अंदर पे डीकंप्रेसर, तो इसके चलते जो है इसका डीकंप्रेसर जो है चिपक गया है, जिस ऑयल मेन जो है रीज़न है वो ऑयल है। तो कस्टमर जो है इसमें जो है ऑयल जो है देख पाए ये पूरा जो है ग्रीस टाइप का हो गया है सारा कुछ जो है, तो ये हमें डीकंप्रेसर इसे ओपन करना होगा। तो मैंने जो है इसे फिटिंग कर दिया है, सारा कुछ जो है रोकर सारा कुछ फिटिंग कर दिया है और इसका डीकंप्रेसर भी हमने अच्छे से इसे जो है फिटिंग कर दिया है। अब हम इसे जो है हम लगाएंगे इसमें सेल्फ, तो इसका जो है हम बटन ऑन करेंगे, उसके बाद जो है तो फाइनल जो है गाड़ी स्टार्ट हो गई है, देख पा रहे हैं। और इसमें जो ऑयल डला हुआ है अभी इसमें ये पुराना ऑयल है, तो ये ऑयल जो हमें आउट करना होगा और इसमें जो है नया ऑयल डालना होगा, देख पा रहे हैं ये ऑयल की कंडीशन सारा कुछ, और गाड़ी स्टार्ट है और प्रॉपर तरीके से जो है बाइक स्टार्ट हो रही है। वैसे हम बंद करते हैं तो आपको जो है हम एक प्रैक्टिकली जो है इसमें जो है हम आपको दिखाएंगे, जो कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो उसके लिए जो है हमें इसका स्पार्क प्लग जो है हमें ओपन करना होगा, उसके बाद हमें पहले मैं स्पार्क प्लग जो है ओपन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें। स्पार्क प्लग ओपन होने के बाद जो है तो स्पार्क प्लग जो है हमारा ओपन हो गया है। अब हम इस हेडाप्टर को जो है थोड़ा सा यहाँ से आउट करेंगे और उसके बाद जो है इसका इग्निशन जो है बटन है अभी, तो इसमें तो ये ऑन करना होगा और ऑन करने के बाद जो है मैं इसमें सेल्फ का बटन दबाऊंगा। मैं दबाया तो स्पार्क प्लग में स्पार्किंग हो रहा है इसमें, और दूसरा चीज़ इसका मैग्नेट जो है जो कि उल्टा दिशा में चल रहा है, और हम इस प्लग यहाँ पे जो है हम उंगली रखेंगे इस तरीके से, जो कंप्रेसर जो हम पैक करें तो देख पा रहे हैं इसका जो मैग्नेट है वो सही दिशा में चलने लगा।
और उंगली हटाएंगे वहाँ से तो इसका मैग्नेट जो हो गलत दिशा में चल रहा है। तो इससे सिद्ध ये होता है दोस्त कि आपका जो बाइक है, जो ACG स्टार्टर बाइक है, इसमें बाल हल्का लीकेज होगा या बाल टेढ़े होंगे या पिस्टन सिलेंडर में कंप्रेसर नहीं होगा या दूसरा चीज़ डी कंप्रेसर भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो इसका ACG स्टार्टर जो है काम नहीं करेगा। तो आपको जो है इसका जो इंजन है इसमें कंप्रेसर होना चाहिए अच्छे से और डी कंप्रेसर भी इसका अच्छे से काम करना चाहिए। जैसे कि होंडा की बाइक है, साइन है, तो होंडा की बाइक में जो ACG स्टार्टर है उस बाइक में भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। जो जानकारी मिली वो अच्छी अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को जो है आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है कई बार इस तरीके से दिक्कत आएगी बाइक में तो इस तरीके से जो है आप शॉर्ट आउट कर सकें। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक को लेकर।